सिंडी अलायंस को लेकर जो बातें की जाती है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आप थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं और लगातार कमलनाथ पे और राहुल गांधी पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस हमारा जो है वो केंद्र राजनीति के लिए है और मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके कृत्यों के खिलाफ। लेकिन गठबंधन में अखिलेश यादव जिस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दरार पड़ेगी? कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नायक दौर पर पहुंच चुका है, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिन्हें 66 सीटों पर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस के द्वारा। ऐसी सीटें जिनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सक्रिय है। दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, बताइए जो 66 सीटें थी उन पर आपने लगातार भ्रमण किया है, क्या लगता है आपको आगे क्या बनेगा? मैं लगभग पूरे प्रदेश में घूम चुका हूं और इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर 130 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं, क्योंकि जनता में नाराज़ी भयंकर नाराज़ी है और 130 से 150 सीटें हम लोगों को आ सकती है। अभी आपने एक मंच से भाषण दिया था, उसमें बताया कि ज्योतिराज सिंधिया आपके बिल्कुल बेटे समान है, पुत्र के समान है, वो गए बीजेपी में, उसको लेकर आप कभी उन्हें क्षमा नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने उस विचारधारा को छोड़ा है जिस विचारधारा ने उनको आगे बढ़ाया और पद के लिए उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता किया है। ये किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये क्षमा योग नहीं है। ये अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, राघोगढ़ भी उन्होंने किया, घेराबंदी की बात कर रहे हैं, चाचौड़ा में भी छोटे साहब के पास गए। स्वागत है। अभी लगातार जो रैली चल रही है पीएम की भी, आज इंदौर में रैली थी, आप पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं लगातार। ये बात यह है, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के का जो नेतृत्व है उस पर से मोदी जी और शाह जी का विश्वास उठ चुका है। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश में का भविष्य किस ओर जाएगा? कांग्रेस आएगी और कांग्रेस में दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो वादे किए वो पूरे करेंगे। इस इंडिया अलायंस को लेकर जो बातें की जाती है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आप थोड़ी नाराजगी दिखा रहे हैं और लगातार कमलनाथ पे और राहुल गांधी पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस हमारा जो है वो केंद्र राजनीति के लिए है और मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके कृत्यों के खिलाफ है। लेकिन गठबंधन में अखिलेश यादव जिस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दरार पड़ेगी? कोई बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक और मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था कि जो लगातार अभी राहुल गांधी के जो आपने मतलब आप कन्वेनर भी रहे थे उनके भारत जोड़ो यात्रा के, कितना आप मानते हैं कि डेवलपमेंट हुआ राहुल गांधी के अंदर आगे? अभी लोगों ने उनको गलत समझा था, वो जो पहले थे वो आज भी है। ये थे दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर लगातार अब सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश में जो सीटों पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसको लेकर अब कहीं ना कहीं अपनी जो सियासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं।